जय नेपाल तपाईँको ग्राउन्ड जिरो अहिले चुनावी यात्रामा छ। चुनावी यात्रा घुम्ने क्रममा यति बेला म रौतहट जिल्लामा छु, रौतहट जिल्लाको गौरमा। गौरमा भिजिट गर्ने क्रममा हाम्रो भेट एकजना यहाँको नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झासँग भेट भयो र वर्तमान यो हुन गइरहेको वैशाख 30 गते हुने गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा र पत्रकारको रोल र विभिन्न रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको बारेमा हामी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झासँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते सर, के हालखबर है आजकल? कहाँ बिजी छी आजकल? एकदम ठीक छ। अभी हम सब अहाँ जेना कहलिए कि अभी चुनाव आ गेल है, चुनाव के क्रम में पत्रकार के बहुत अहम रोल है, पत्रकारिता के ही क्रम में हम सब लागल छी। अपने के विशेष बात कहाँ, मतलब कथी हो रहा है, विशेष करके कौन फील्ड में छी, कथी कर रहा छी, कुछ नया बताऊ? अब फील्ड तो बिना रौतहट जिला के जे 18 गो स्थानीय तह है एकरे आधार मान के हमसब पत्रकारिता कर रहल छी। अब फील्ड तो कोनो तोकल न है जे हाँ फलने जग जाए के है एहन, हाँ जहाँ अब निमंत्रणा चाहे जहाँ से बोलाहट चाहे जहाँ कहनो समस्या भेल चाहे अपना से भी देखल जा रहल कि जहाँ बुझू ना जे अभी चुनाव के जहाँ कड़ा प्रतिस्पर्धा है, हाँ चाहे जहाँ देखे छी जे विवाद बेसी है वहीं पर मतलब फोकस है। अच्छा ये बताओ, पत्रकारिता के रोल में अपने बहुत लगभग मोर देन 20 ईयर से पत्रकारिता कर रहा थी, पहले के पत्रकारिता में अभी के पत्रकारिता में देखा जाए तो अभी दलगत पत्रकारिता में लेके पूरा एकदम हर एक पार्टी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पत्रकार के देखे हर एक कोनो कोनो पार्टी से जुड़ल लेके कांग्रेस से माले माओवादी, हालांकि देखा जाए तो अपने भी अथी माधव कुमार नेपाल समाजवादी पार्टी के पत्रकारिता अथी संगठन से जुड़ल थी। तो कहाँ देखा जाए तो हमने के देश में पत्रकार अगर कोनो संगठन से पार्टी संगठन के जुड़ते तो नेपाल में स्वच्छ पत्रकारिता कैसे होते? अब एना है, देखो देश जो है बहुदल हो गया है, अनेक दल है, पत्रकार से पहले आदमी व्यक्ति है। ए लेल हमरा ई न लगैत है जे हाँ अगर कोनो दल से है तो ओकरा में ओहि आदमी में एगो मानवता निष्पक्षता चाहे पत्रकार के लेल होय के चाही, तटस्थता ओकर ईमानदारिता धैर्यता हाँ अगर बरकरार है तो कोनो दल विशेष में रहला से कुछ खासे फरक न पड़ी। हाँ रह गेल जे पत्रकार के जे ओकर रूल रेगुलेशन है, जे ओकर आचार संहिता है, ऊ पालना करे थे कि न, जैसे अभी निर्वाचन आचार संहिता पत्रकार के लिए सदै भरी के अपने के ओकर पत्रकार आचार संहिता अगर पालना करके पत्रकारिता कर रहा है तो कोनो दल विशेष से चाहे कोनो अगर पार्टी से भी एना अब तो पत्रकार महासंघ रोक लगा दिले है। राजनीति में अगर प्रत्यक्ष संलग्न हो चाहे उम्मीदवार अगर अहाँ बने चाह रहा छी तो पहले पत्रकारिता से राजीनामा देऊ, पत्रकार महासंघ के सदस्य छोड़ू। लेकिन जहाँ तक ले अभी दलीय आस्था हमरा सके कोनो भी पार्टी के सांगठनिक रूप से हम सब न छी, सांगठनिक रूप से कैसे अपन सांगठनिक रूप से छी, जैसे हर एक पार्टी जुड़ल है। अपने अगर मान ले कोनो अथी कांग्रेस वाला न्यूज है कि तो हो सके अपने को छुपा दे भाई, वो बात ना कहे, क्या अपने पार्टी से जुड़ल थी, माधव नेपाल के पार्टी से ही संगठन से जुड़ल थी, हो सके अपने कैसे विश्वास करवा देते कि कांग्रेस के माओवादी वाला कोनो न्यूज होते तो ऑफकोर्स अपने छुपा सके ना बात के? एकदम ओहन जो है कोनो भी हालत में न होते, अगर ओहन छुपैले छी चाहे अहूँ एहिठाम पत्रकारिता से जुड़ल लोग छी तो ओहन हमरा एक दू गो उदाहरण बताऊ जे अहाँ जे है दिल में कहीं ना कहीं दिल में अतः ना हमारे पार्टी के हम पार्टी फलना संगठन जुड़ल थी, हमारे पार्टी के न्यूज के हम पार्टी के अगेंस्ट में बाबा के जब भी अपने एक संगठन से जुड़बे तो आत्मा में तो जरूर आत्मा जवाब देते ओकर बात के। अब हम एक एना ले छी, हम पहले ही अहाँ कहलिए कि देश बहुत बाद हो गए, अब देश में अनेक दल है, अब अनेकता में एकता खोजे के है, जेकरा अभी यहाँ बैकग्राउंड में देख रहल छी पत्रकार महासंघ उ सब पत्रकार के साझा संस्था है। आई हम पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष हो गेलिए तो हम कोनो पार्टी कोनो जे है व्यक्ति के पछाड़ी अगर हम लगबे तो उ हमर जे है हम कथी पहले अहाँ के कहलिए जे उ आदमी के तटस्थ होय के पड़ते, उ आदमी के ईमानदार होय के पड़ते, उ आदमी के निर्भीक होय के पड़ते, हाँ तब जाके उ पत्रकार होते। रौतहट जिला में देखा जाए, रौतहट जिला में देखा जाए तो दिन भर मतलब फेसबुक पत्रकार एकदम हर एक पार्टी के संगठन के एकदम मतलब प्रशंसा करके ही लिख रहा है कि प्रचार मतलब कहा जाए तो डिजिटल प्रचार हो गया आजकल, हर एक अथी मेयर के उपमेयर के मुखिया के सब प्रचार कर रहा है कि तो कहाँ तक ही सही है के? अब देखो जे हम पहले यहाँ कही ना दू तरह के चीज़ है, जैसे एगो पत्रकार के कथी करे के चाही न करे के चाही, हम कथी सही कर रहा कते गलती कर रहा उ छिटियावे के जरा में क्षमता न है, हाँ ओहन जो है प्रचार प्रसार कर रहा है। अगर हम
संप्रेषण करै छी तऽ विचार प्रवाह कर सकै छी के ओ उम्मीदवार है। विचार प्रवाह कहै छी अब देखू पत्रकार से लिखी तऽ फलाना मेयर लाई भोट दिनू ई देखू सब सब लिख रहल है फलाना मेयर लाई हम नाम ना कहै छी मतलब सब ना लगभग 95% पत्रकार लिख रहल है फलाना मेयर लाई भोट दिनू तऽ ई कहाँ तक सही है। अब एना है ओ जे है पत्रकार के ओ धर्म न है। हाँ सर तो कम करे के लिए कथी अपने के रोल कथी है मतलब प्रेसिडेंट ऑफ FNGO के बारे के मालूम है ये निर्वाचन के पूर्व संध्या में पत्रकार महासंघ में बुला करके एगो अंतरक्रिया कहकर जो मैं प्रमुख जिलाधिकारी अहूँ सर रही हाँ वही में पत्रकार आचार संहिता चाहे निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण रूप से पालना करे के तो अपने के अब देखो अपने के मतलब कौन एगो स्ट्रिक्ट एक्शन ना रहो आ रहा है में अब एना है हमर सके काम के को डंटा लगावे के हाँ चाहे तू ये काम कर घड़ी घड़ी हाँ चाहे फलना के प्रचार कथी ला करे छे कह के न कह सके छे ये लेल न कह सके छी कि ऑलरेडी सरकार के वही में कानून है हाँ पत्रकार आचार संहिता है अब वही में अहाँ एक्स्ट्रा कथी कहबे ओकरा अपने एक तरफ से कुछ नोटिफिकेशन या कुछ वार्निंग बुझे वाला के इशारा काफी होइ छै हाँ आ न बुझे वाला के अहाँ किछो करबै तो न बुझतै। जैसे अगर देखल जाए पत्रकार महासंघ के मतलब जिला कमेटी में 56 को पत्रकार है क्या तो 56 को है कि पत्रकार है कि और जो बाकी दूसरा मीडिया से जुड़े है कि वो भी पत्रकार है। अब ना है 56 को पत्रकार महासंघ के सदस्य है लेकिन बुझू ना वही से ज़्यादा अहाँ के पत्रकार महासंघ से बाहर है जो सक्रिय पत्रकार कहूँ तब चाहे FM के पत्रकार कहूँ तब चाहे ऑनलाइन के पत्रकार कहूँ चाहे यूट्यूब चला के पत्रकारिता कर रहा पत्रकार भले कि ना एकदम भले ना अच्छा जैसे अपने पर बहुत देखी बहुत आरोप लगा रहा है कि जातिवाद के आरोप लगा कि प्रेमचंद्र झा कुछ भेदभाव कर रही पत्रकार महासंघ में ये कहाँ तक सही है। अब देखू हमरा तो न लगे हाँ हम ककरो साथ भेदभाव चाहे अहीं अबै छी अहूँ से बहुत अच्छा हमरा नजदीक हमरा साथ ठीक बा अपने का ठीक है तो वही ना जे है अहाँ दोसर जात के छी हम दोसर जात के छी हाँ जे हमरा से भेटे घाट न करते जे हमरा नजदीके में न है हाँ अब ओकरा तो होबे करते जे हाँ हमरा न टेरै थे चाहे हमरा से न तो हम जे है केना घर दैलो तो अभी करे के पत्रकार के काम न है चाहे अध्यक्ष तो ककरो जे है घर घर जाते न जते हाँ अहाँ के अगर संस्था कोनो एहन सूचना है चाहे कोनो हुनका हक अधिकार के बात है वही में अहाँ के अगर भेदभाव करे थे तो वही में हम स्वीकार करबे जे हाँ जातीय चाहे जोन भी आरोप लगबे तो होते लेकिन ये जतेक भी हमरा पर बुझू ना वो फेसबुक चाहे कुछ लिखे है तो वही आदमी के ही कमी कमजोरी कहे के पड़ते ओहन कुछ हम कहे के चलते प्रेमचंद झा वर्तमान अध्यक्ष प्रेमचंद झा एकदम निष्पक्ष है जी एकदम। अच्छा अभी कुछ बात ये कुछ पिछड़ी दुनिया में चल रहा है जैसे अपने के अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत लंबा संघर्ष के बाद में ये अपने के ये पोस्ट मिला लेके मतलब पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष पिछला पत्रकारिता जो होते मतलब आज से 10 साल पिछले के पत्रकारिता के लेवल लेके देखा जाए अभी के लेवल देखा जाए तो कहाँ तक ऊपर उठा ले या नीचे उठा लेके पत्रकारिता पत्रकार का लेवल देखा जाए जरूर अभी एहिमे हमरो सबके ई लग रहल है देखू जब ये अहाँ के कम संख्या बेसी संख्या हाँ कम संख्या होते तो ओकर चहल पहल कम होते हाँ ओकर जे है सुखबुगाहट कम होते जब ये अहाँ ज्यादा संख्या होबे तो ओकर हलचल होते तनिक ओहिमे कथी कहै छै निमन बेजाय बात सब होते जना हमरे दिया कोनो लिख दै छै चाहे कुछो कह दै छै हाँ अब रह गेल जे हम अगर सही जगह पर छी तऽ ओ लिखे वाला के ओकर थप्पड़ अपने मुँह में लगे आम हमर कहे मतलब आम पब्लिक में पत्रकार के लेवल मतलब गिरल है या नीचे डाउन भेलै या ऊपर भेलै एना है अब सबके अपन अपन देखे के नजरिया है हाँ हम बहुत जगह देखे छी जे पत्रकार एगो समाज के रक्षक के रूप में एगो समाज के खबरदार के रूप में काम कर रहा है हाँ इससे पत्रकार के ओकर जो है लेवल बढ़ल है लेकिन पत्रकार के भीतर भीतर सब काम चाहे सब कहे मतलब काम में थोड़ा मोड़ा जो है बुझने जे अच्छा खराब लोग हो हाँ अगर ओहन का लोग चाहे अभी पत्रकारिता में कथी है जे वैसन का ओकरा पास में शैक्षिक योग्यता न है हाँ एगो जो है मोबाइल है चाहे एगो कैमरा ले लेलक तो वही दिन से जो है पत्रकारिता करे के शुरू हो गेल हाँ चाहे कोनो नेते के पछाड़ी लागल है 10 दिन ओकर फोटो क अथी घींच के अगर पोस्ट कर दिलक हाँ ओकरा ठीक लागल उहे नेता जो है पीठ ठोक दिलक तो ओकरा हो गेल जे चल आप तू पत्रकार हो गेला होइत होइत जे है वो पत्रकार के पाती में बैठ जाए हमरा अभी हमरा देखल जाए
ऐसे कुछ विकृति हाँ सब देखल गई है। लेकिन जोन दिन उ समझ जाते कि हाँ पत्रकार के धर्म कथी है, पत्रकार के शैक्षिक योग्यता कथी है, पत्रकार ले करना होने काम कथी है, पत्रकार ले न करना होने काम कथी है, तो जो है विस्तार है। देखो आम पब्लिक के धारणा कथी रोहतहट जिला के कि जो वास्तविक समस्या वास्तविक जो रियलिटी के आम पब्लिक में जो समस्या है के उ बाहर ना आ रहा है। दिन भर नेता के चमचागिरी, नेता के दलाली, मतलब अक्सर पत्रकार के यहाँ देखल जा रहा है आम पब्लिक में ही धारणा है के ओकर सुधार करे के लिए प्रेमचंद झा अध्यक्ष के कथी मतलब पहल के। अब देखा जाए ये अहाँ कहलिए ना ये समस्या से भी ज़्यादा एगो ये बाध्यात्मक परिस्थिति है अपने के रोल कथी में। अब सुन हमर रोल तो हम तो कहबे जे हाँ सही बाटो में आऊ ट्रैक में काम करू, लेकिन जोन चाकरिये के लेल है खटल जोन उहे बीरे उठले तो कथी करबे अहाँ। तो कुछ तो रोल हो पड़ल सर संगठन के अपने अध्यक्ष बोली कुछ तो रोल संगठन के रोल तो ये है जे ओकरा हम अहाँ के ना पहले कहलिए जे निर्वाचन में ई काम अहाँ कर सकै छी ई अहाँ न कर सकै छी। निर्वाचन के आचार संहिता में पत्रकार ले करना होने काम, पत्रकार ले करना न होने काम कह के जो है एक लंग के निर्वाचन के हाकिम प्रमुख जिलाधिकारी सब जो है समझा दिल के। अगर वो बात के लोग जो है पालना न करे चाहे कथी है निर्वाचन आयोग चाहे कथी है जे ओकर आचार संहिता अगर बुझते तो वो यही ना ओकर इफेक्ट रहते मतलब लेवल मतलब चलते रही मतलब रुके वाला नहीं है। एना है अगर पत्रकार महासंघ के कोनो हमरा सके सदस्य है चाहे ये संस्था पर जो है जुड़ल लोग है तो ओकरा सके जो है हम सब ओहन का कोनो कार्रवाई चाहे ओकरा से स्पष्टीकरण इस ले जी आ जे एकदम पूरा छाड़ा रूप में कर रहा है तो वैसन का तो संबंधित ही निकाय ओकरा खोज करते। अच्छा सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुत व्यस्तता के बावजूद भी टाइम दिल एकदम कड़ा क्वेश्चन के एकदम आसानी से सवाल के जवाब दिली बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लास्ट मतलब मोमेंट हमने आ गए थी कुछ रोहतहट जनता के लिए या रोहतहट के पत्रकार सब के लिए कुछ संदेश है तो अपने लास्ट में कह सके छी। अपने के भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देवे ला चाहब कि ऐसा का ये टाइम में हम बात रखे के मौका दिली बातचीत कैली एक पहले धन्यवाद। खास करके हमारा ये रोहतहट जिला के जनता से यहाँ के जैसे लोग से और खास करके इस चुनाव के संदर्भ में जो मतदाता छा उनका सबसे हम ये आग्रह करब जे अहाँ सब जे बैसाख 30 गते जे चुनाव हो जा रहा है मतदान हाँ यही में सही व्यक्ति के अपने चयन करूँ हाँ जे ये जिला के लिए के ठीक होते अपने के समुदाय के लिए के ठीक होते समाज के लिए के ठीक होते हाँ वैसन का लोग सबके जो है चयन कर जाए और निर्धक हो के बिना डर धाक धमकी बिना लोभ लालच में पढ़ के स्वच्छ तरीका से बुझ दिए रहल छी कि मतदान है अपन मत के अपन अधिकार के जो है दान दूसरा के दे रहा छी तो जो है अब फिर एक जो है तुकले समय में फिर चुनाव होते तो ऐसे अखनी के अवसर के ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जो है चुनाव में भाग ले करके और अपन अधिकार के प्रयोग करी आ अच्छा प्रतिनिधि जो है चयन करे में काम करूँ ये हम आग्रह करे ला चाहब। धन्यवाद सर बहुत व्यवस्था के बाद टाइम दिली हमारे को धन्यवाद। दर्शक यो इंटरव्यू लास्ट में हमारे लास्ट में आई सकते छो इंटरव्यू तब लगे अवश्य मिले कमेंट और सुझाव करने वाला तब समय को लगे लव यू स्टे सेफ जय नेपाल।